रमेश अरविंद एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, पटकथक, लेखक और टेलीविजन प्रस्तोता है जो कनाडा फिल्मों और टेलीविजन में काम करते हैं। अरविंद 140 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी है जिनमें कई तमिल भाषा की फिल्में भी शामिल है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते और उनके लिए नामांकन किया गया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कर्नाटक राज्य पुरस्कार जीता है। कुमले की पटकथक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार मिला है। उन्हें उदय टीवी पुरस्कार और सुवन टीवी पुरस्कार के लिए जीता है। अरविंद टेलीविजन शो वीकेंड विद रमेश के होस्ट है जो जी कनाडा पर अब तक 5 सीजन प्रसारित हो चुका है। उन्होंने टू वर्टर्स टू बी अ मिलियनर के कनाडा संरक्षण कनाडा कोटायाधिपति के सीजन 3 की मेजबानी की है। बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका ने अरविंद को COVID-19 के लिए जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। अरविंद की फिल्में अनुराग सगमा, कपूरादा, गोम्बे, नबूदा, मदरा हुआ, अमृता वसायनी, अमेरिकी अमेरिका, उल्टा पलटा और मलिंगा मुगारीना मिनाचू और थुट्टू मुट्टू में नाटकीय रिलीज पर 100 दिन पूरे किए हैं। वो सुवन न्यूज और कर्नाटक के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए 7 वर्डर्स ऑफ कर्नाटक अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। 2022 में अरविंद को रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मनर डॉक्टर के लिए उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2022 में एक अभिनेता, निदेशक और संसद व्यक्ति के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें डॉक्टर शिवराम करत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरविंद ने कॉमेडी फिल्म रामासामा पावा का निर्देशन किया है और प्रतिष्ठा फिल्मों में अपता मित्र, पुष्पा का विभाजन और शिवाजी सुरथकाला में अभियान किया है। वह शिवाजी सुरथकाला 2 में दिखाई दिए गए जो 14 अप्रैल 2023 को सभी सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। उनका शो वीकेंड विद रमेश सीजन 5 जी कनाडा पर स्ट्रीम हो रहा है। उनकी आवाज़ में एक संदेश को रिंगटोन के रूप में इस्तेमाल किया गया था जिसमें मतदाताओं से उनकी गैर विवाद स्पर्धा तटस्थता छावी के कारण 2023 के विधानसभा चुनाव में जियो एयरटेल प्लेटफॉर्मों को वोट पर करने का आग्रह किया गया था। उन्हें 2023 में बेंगलुरु गोल्ड शॉपिंग फेस्टिवल संस्करण में 2 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था।